हेलो जी, आप रहमान के घर से बात कर रहे हैं? जी आप हॉस्पिटल आ जाए, उनकी तबीयत बिगड़ गई है, वो किसी निम्मो को याद कर रहे हैं। हम आ रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ओके, वो वाली जान हाय लाहौर, आज तो बहुत थक गए। अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे से हो गया। तबस्सुम कितनी खुश लग रही थी ना। खुश क्यों नहीं होगी, दुबई वाला ससुराल जो मिला उसको। हाँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नसीब होंगे तबस्सुम के। अंदर सो गया क्या? हाँ, अब्बू के साथ है, कह रहा था आज दादा अब्बू के साथ ही सोऊंगा। अम्मी को तो बहुत गुस्सा आया होगा इस बात। अरे नहीं, अम्मी ने तो कुछ नहीं कहा, अब्बू बस ले गए हमजा को साथ। आज बहुत प्यारी लग रही थी। अपनी शादी के बाद आज तबस्सुम की शादी पर इतना मेकअप किया, तुम्हारे लिए तैयार होना अच्छा लगता है मुझे। बेचारे रहमान भाई, हम दिल से लगा लिया उन्होंने निम्मो का, निम्मो की तलाक का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके। हाँ बिल्कुल, इनकी अपनी तो कोई औलाद थी नहीं, यही भांजियों में जीते रहे और बदनसीब इन भांजियों की खुशियां भी ना देख सके, अगला दर्जा बुलंद कर इनके। बहुत अफसोस हुआ अंकल के इंतकाल का सुन के। मामू जी मुझसे कुछ कहना चाहते। मैंने बहुत देर कर दी पहुंचने में, मुझे छोड़ के चले। शकीला भाभी का है, मैं चाह रही थी मैं उनसे भी ताज़ियत कर लूं। कम से न ढाले को बहुत मुश्किल से दवाई देकर सुलाए। तायरा, ये डोनेशन का चेक। थैंक यू सो मच मैम,
आप उस दिन मिसेस एजाज की पार्टी में भी नहीं आई? जी मैडम, वो मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गई हुई थी। अच्छा तायरा, हमने आपको एक बहुत अहम काम के लिए कहा था, शायद आप भूल गई। नो मैम, मैं कुछ नहीं भूली, बस आपकी डिमांड के मुताबिक कोई नजर नहीं आ रहा। आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि आबान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत सेंसिटिव है वो। बस हमें कोई ऐसी खातून चाहिए जो मुकम्मल तौर पर उन्हें संभाल सके। हम बहुत जल्द जायान की शादी भी कर रहे हैं। रोशनी को आबान की वजह से टाइम ही नहीं मिलता, बहुत मसरूफ रहती हैं वो, उनकी वजह से थक जाती हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसी औरत हमें मिल जाए जो मुकम्मल तौर पर आबान को संभाल ले। 40-50 की एज ग्रुप की औरत सही रहेगी। डोंट वरी मैडम, मैं बहुत जल्दी कोई सोल्यूशन निकालती हूँ। और हाँ, याद आया, हम आबान ट्रस्ट के नाम से बहुत जल्द एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। ओह गुड मैडम, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जायान इस सिलसिले में सारा पेपर वर्क कर रहे हैं, जैसे ही कोई स्ट्रेटजी बनेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड वन मोर थिंग मैडम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तेरे वास्ते मेरी हयात के सभी रंग, तू जिस रंग में निखरे मैं उस रंग के सदके। वाह, क्या बात है, सब खैरियत है? नहीं, खैरियत नहीं है, कुछ खैरियत नहीं है। आपको पता भी है इस घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है आप ही बता दीजिए। भाभी की हर सालगिरह पर वो एनजीओ वाली ना मुंह उठाकर आ जाती है, एक गुलदस्ता पेश करके और हमारे लाखों रुपए लेके चली जाती है। और अब तो सुना है कि भाभी अपान ट्रस्ट के नाम पे कोई इदारा खोल रही है। तुम जायान से पूछे तो सही कि हो क्या रहा है, हमारा बेटा होकर हमें ही कुछ नहीं बता रहा। अगर आपकी तकरीर खत्म हो गई हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? देखो रोशनी भाईजान, अपनी जिंदगी में रीना भाभी की बर्थडे पर इसी तरीके से गरीब गुरबाओं में गिफ्ट तकसीम किया करते थे, लेकिन अब भाईजान इस दुनिया में नहीं रहे तो भाभी ने मना कर दिया कि अब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। वो तो मेरी ख्वाहिश है कि यह सिलसिला जारी रहे। भाभी इतना कुछ हमारे लिए करती हैं, कम से कम हम कुछ तो उनके लिए कर सकते हैं, और इसमें हर्ज ही क्या है? अच्छा, मेरी बर्थडे पर तो एक केक तक नहीं कटता। अच्छा, तो ये मामला है, तो ठीक है मेरी स्वीट वाइफ, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस साल आपका बर्थडे हम बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। ख्वाबों में बेबी जी, खाना लगा दूं मैं? नदीम, खाना लगवा दूं? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, प्लीज आप इन लोगों के लिए खाना लगा दें। जी, मुझे अंदाजा है तुम्हें भूख नहीं होगी, लेकिन सुबह से खाली पेट फिर रहे हो, कुछ खा लो। फरीदा जाओ खाना लगवा दो। जी बीबी जी, अभी लगाती हूं। नाल चलो बेटा, रूम में चल के कपड़े चेंज कर लेते हैं, ठीक है? फिर चेंज करके खाना खा। मैं ये यहाँ पर ही सही हूँ। जाओ बेटा, मम्मा कह रही है ना कपड़े चेंज कर दो, तो खाना खाना है, जाओ। ये लो
जल्दी से पहनो और सो जाओ। मम्मा सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? आई नो, जब भी मैं निम्मो खाला के साथ बातें करती हूँ आप मुझे पनिश करते हैं और मुझे बहुत डर लगता है। I'm sorry, मम्मा। निम्मो खाला रो रही थी, मैं उनकी आंसू साफ करने गई थी। इस बारे में कल बात करेंगे, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। बहुत चिपक कर बैठी हुई थी ना तुम अपनी माँ के साथ। मम्मा प्लीज मुझे वॉशरूम में लॉक मत करेगा, प्लीज मम्मा, मुझे बहुत डर लगता है। शिवा! नदीम चलो मेरे साथ। नदीम चलो, नदीम चलो मेरे साथ। नदीम नदीम, तुम ये सब करती थी, तुम मीनार के साथ ये सब करती थी। अरे तुम इंसान होकर जानवर हो तुम, तुम्हारे दिल ने जरा भी मलामत नहीं की कि तुम एक छोटी बच्ची के साथ ये सब करती थी। तुम मीनार को मारती थी, मेरी मीनार को मारती थी तुम। मैं समझता था कि तुम मीनार की माँ हो, मीनार को प्यार दोगी, माँ की तरह प्यार दोगी, लेकिन तुम जैसी औरत तो किसी को प्यार कर ही नहीं सकते। बात तो सुनो प्लीज। कान मेरी बात सुनो, कान खोल के। मुझे मजबूर मत करना कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि जिसका पछतावा मुझको। आज के बाद मृणाल के इर्द गिर्द भी नजर मत आना, और उसको कुछ हुआ तो याद रखना मैं मृणाल को लेके इस घर से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मनहूस मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरा सुहाग खा गई तू। मुबानी जान, मुबानी जान, मुझे क्या हो गया आपको? हम कहाँ जा रहे हैं मुबानी? हम जा कहाँ रहे हैं? हम नहीं जा रहे, सिर्फ तुम जा रही हो। मुबानी जान निकलो इस घर से, तुम मेरे रहमान के कातिल हो, तुम्हें एक लम्हा इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुबानी जान मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहती, बंद कर अपनी बकवास। तेरा भला दबा के तुझे मार दूं, खागी तेरी नहुसत मेरे घर को, मेरी खुशियों को, मेरे रहमान को खागी दूं। आपके इस वक्त कहाँ जाऊंगी? जहाँ मर्जी जाओ लेकिन इस घर में तुम नहीं रहोगी। तुम्हारी नहुसत मेरे घर की खुशियों को खा गई, मेरे मेहमान को खा गई, निकल जाओ यहाँ से। जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता था मर गया, वो चला गया दुनिया से। उसकी खुशी के लिए मैं तेरी नौसत को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन तूने मेरा सुहाग खा लिया, उजाड़ दिया मेरे घर को मुझे। अरे मैं रहमान को कहती थी, रहमान ये काली ज़बान वाली है, हम सबको खा जाएगी एक दिन, लेकिन रहमान ने मेरी एक नहीं सुनी, तू खा गई। अब वो कब्र में बहुत पछता रहा होगा, लेकिन क्या फायदा पछताने का? मुबारक जान, मैं बाबू जान को अपनी अम्मू से भी ज्यादा प्यार करती थी, वो मुझे बहुत अच्छी, मैं उनके बारे में। मुबानी जान मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मर जाऊंगी। मर जा मनहूस, मर गई होती तो अच्छा था, पहले अपने माँ बाप को खा गई, फिर बहन को खाम में देखा वो भी बेचारी मर गई, फिर रहमान को मार दिया। सच बता, तूने रहमान को खाम में देखा? जादू कर दी, खा गई मेरे शौहर को, कसम से खुदा की कसम, अगर कत्ल की सजा नहीं होती ना मैं तुझे अपने हाथों से मार देती। चली जा यहाँ से, मत देख ऐसे, मैं इससे पहले कि सजा का भूल जाऊं और तेरा कत्ल कर दूं, मार दूं, मार दूं, निकल यहाँ से।
मिनाल को बाप बाप बनकर पालना। ऐसी बातें ना करो आशी। आशी मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं निभा सका। आशी मैं वादा नहीं निभा सका। मैं हमारी बेटी मिनाल का सही से ख्याल नहीं रख सका। ऐशी मैं हार गया। मैं हार गया। बाबा क्या हुआ? मैं अपने बाबा को माफ कर दू। माफ कर दो अपने बाबा को। मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सका। अच्छा पापा नहीं। बाबा मैं ठीक हूँ। आप उस रोए तो मार। नहीं बेटा तुम ठीक नहीं हो। पता है कितने दिनों से तुम उस जख्मी शीबा के जुल्म से रही। अरे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अपने बाबा को क्यों नहीं बताया? बाबा मैं डर गई थी सुनकर कि आप शीबा मम्मा को बहुत डांटेंगे। आप प्लीज उनको मत डांटे। आप प्लीज नाराज मत हो। वो भी तो बीमार है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से करना सीख ली आपने? हाँ बेटा आज मुझे पता चला है कि कितनी सालिम औरत। सौतेली माँ सौतेली माँ होती है। I love you। अब आप तक कभी मैं कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। बल्कि हम यहाँ से चले जाएंगे, कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। ओके मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरी माँ मुझे प्यार से निम्मो बुलाते थे। प्यारी निम्मो। निम्मो मैं तुम्हें रोने के लिए मना नहीं करूंगी और ना ही यह कहूंगी कि मत रो। रो लो, जी भर के रो लो।
ताकि तुम्हारे आंसुओं के साथ तुम्हारे सारे दुख बह जाएं। फिर शायद तुम ये देख सकोगी कि अल्लाह की दी हुई जिंदगी कोई मजाक नहीं है जिसे तुम यूं पल भर में खत्म कर दो। जिंदगी तो अल्लाह का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा है। मैं तो बोझ थी सब पे, मेरा कोई घर नहीं है, कोई अपना नहीं है। मैं भला जी के क्या करूंगी, किसके लिए जिंदा रहूं? खुद के लिए जियो नेमो, अपने लिए। यहां तो मैं खुद से भी ज्यादा तन्हा और टूटी हुई औरतें नजर आएंगी, मगर वो जी रही हैं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। और मैं चाहूंगी कि तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। ये जिंदगी किसी के चले जाने से खत्म नहीं हो जाती। तो मुझे पढ़ी लिखी लग रही है, तो फिर मायूसी क्यों? यहां तुम बेफिक्र होकर रह सकती हो। मेरी एनजीओ में मौजूद हर लड़की अपने टैलेंट के मुताबिक काम करती है, जॉब करती है और एक कामयाब औरत बनकर जिंदगी गुजार रही है। और बहुत जल्द मैं तुम्हें भी एक कामयाब औरत बनी देखना चाहती हूँ। निम्मो, कोशिश करना कि जो भी तुम पे बीती वो सब भूल जाओ। अगर उन जख्मों को बार बार कुरेदोगी तो वो नासूर बन जाएंगे। खुद को पत्थर बना लो और एक बहादुर औरत की तरह कामयाब जिंदगी गुजारो। डॉक्टर हम आबान को लेकर बहुत कंसर्न्ड हैं। वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, बहुत गुस्सा करता है, लड़ता है, झगड़ता है, तोड़फोड़ भी करता है। मिसेस रीना, अबान को प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है। हम मेडिसिन तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट को 70% फैमिली केयर एंड तवज्जो की ज़रूरत होती है। अबान फिज़िकली तो बड़ा हो गया है, लेकिन मेंटली तौर पर वो अपने बचपन में कहीं ठहर गया है। और अपने फादर की डेथ की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब भी था। मिसेस रीना, अबान ने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है। मिसेस रीना, हम ऐसे पेशेंट की मेंटली थेरेपी कर सकते हैं काउंसलिंग के ज़रिए, लेकिन इसको बेहतर बनाना फैमिली केयर एंड सपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। आप मायूस ना हो, इंशाल्लाह अबान जल्दी ठीक हो जाएगा। कितना अर्सा मजीद लगेगा उन्हें नॉर्मल होने में? देखिए, मैं आपको टाइम पीरियड तो नहीं बता सकती। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट को ठीक होने में मैक्सिमम 3-4 ईयर्स लग जाते हैं, और बाज़ औक़ात 9-10 साल, और बाज़ औक़ात। डॉक्टर, आप खुल के बताइए प्लीज़। वो बाज़ औक़ात सारी ज़िंदगी इसी स्टेट में रहते हैं। वो एक लम्हा, एक पल उनकी पूरी ज़िंदगी पर भारी रहता है। आप मायूस ना हो, इंशाल्लाह अबान बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। सोच रही हूं क्यों उदास हो? ये सब मेरे साथ। निमो, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझो, मत रोयो। जब आपको मालूम हो जाए कि दुनिया में आपका अपना कोई नहीं रहा जो आपके आंसू साफ करे, आपका दुख दर्द बांटे, तो दिल को मोम से पत्थर करना पड़ता है। ये रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे माँ बाप चले गए, मेरी बहन चली गई, मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा थे मेरे मामू जान।
मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए। मेरे शौहर ने तोहमत लगाकर मुझे निकाल दिया। मैं दखल करती हूँ, मैं बर्बाद हो गई। मत रोइयो, रोने से ये सब रिश्ते वापस मिल जाते तो मैं आज से 6 साल पहले सारे रिश्ते जीत चुकी होती। क्या हुआ आपके साथ? अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद मेरे भाई ने सब बहनों का विरासती हिस्सा खा लिया, मेरे जाली दस्तखत करवा लिए। मेरी तीनों बहनों ने अपने विरासती हिस्से भाई को दे दिए। जब मैंने इनकार किया तो मुझे पागल करार दिलाते हुए पागल खाने भिजवा दिया। अपना पैसा पानी की तरह बहाया मेरे भाई ने मुझे पागल साबित करने के लिए। 3 साल पागल खाने रही मैं, रोज जीती थी रोज मरती थी। मेरे सामने तो मेरा सगा भाई खड़ा था। ताहिरा मैडम ने मुझे वहां से निकलवाया। ये बहुत अच्छी है, खूनी रिश्ते जहां दुख धोखा देते हैं वहां ताहिरा मैडम सहारा बन जाती हैं। अदालत में मेरा केस चल रहा है, मुझे दौलत पैसा नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए। हक और बातिल की जंग लड़ रही हूं मैं, तुम्हें भी लड़ना होगा निमो। तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा, ये आंसू तुम्हें कमजोर कर देंगे, तुम्हें जीना होगा। अम्मी हाँ। मैंने राशन की चीजों की लिस्ट बना दी है, मैं बाजार जा रही हूँ, हमजा घर पर ही है। जाओ। वो अम्मी हमजा सो रहा है, आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। देख लूंगी ना, जाओ। हाँ? प्लीज इसे देख लीजिएगा, बड़ी आई आते रहते हैं। दादी मम्मा कहाँ हैं? गई हैं तुम्हारी अम्मा, अभी आती होंगी, सबर करो, जाओ जाओ कर खेलो जाओ। दादी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारा नहीं निकलकर घर से चली गई? अरे जाओ जाकर खेलो, अभी तुम्हारे नाज नफर नहीं उठा सकती मैं, जाओ सबर करो। हैं? ऐसे क्या घूर रहे हो, खाओगे मुझे? दादी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और है तो क्या मुझे खाओगे आदम खोर, जाओ जाओ। हद हो गई भाई, तू तो निकल गई, खा भूख लगी है भूख लगी है। दादी भूखी बैठी है, कुछ नहीं हो।
है भाई, पता नहीं कहाँ चली गई है महारानी, लगता है पूरा बाजार ही लूट कर लाएगी। ये लड़का भी पता नहीं कहाँ है, आफत का प्रकाला है किधर, या अल्लाह पता नहीं कब आएंगे, सबके सब कहाँ चले गए। हाँ तो गए, ये तुम्हारे अब्बा कहाँ रह गए, साथ गए थे? बैंक गए हो? अच्छा, क्या हो गया, इतनी खामोशी क्यों, घर पे है ना? गए अरे भाई, बाजार का कह कर गई थी, पूरा दिन हो गया अब तक वापस नहीं आई, पूरा बाजार ही लूट कर आएंगी। हमजा कहाँ? हमजा मेरे पास छोड़ के गई है, और कहाँ? हमजा क्या हुआ? बाबा, बाबा! हमजा, अरे बेटा क्या हो गया, क्या हुआ? बोला भी था अकेले मत आया करो किचन में, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। इंतजार तो तुम अब सारी जिंदगी मेरा करो। नदीम, नदीम प्लीज मुझे आखिरी बार माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं मनाल से भी माफी मांग लूंगी, वो बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे माफ कर देगी। बहुत अच्छी बच्ची है मनाल, क्योंकि वो मेरी बेटी है। हाँ, और तुम्हें माफ भी कर देगी। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने यहां वार किया है, यहां। और मनाल मेरा दिल है, मैं आने आऊंगा। नदीम, नदीम मेरी, नदीम प्लीज मेरी बात, जयान आबान ट्रस्ट की इनॉग्रेशन सेरेमनी की तैयारी कैसी चल रही है? बड़ी मॉम, काफी अच्छा जा रहा है काम, इवन लास्ट स्टेज पे पहुंच गया। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अनाउंस भी करेंगे। गुड। अरे वाह भाभी, आबान ट्रस्ट, उसकी इनॉग्रेशन ना आप जरूर किसी बड़े मिनिस्टर से कराइएगा। आते के साथ ही ना उसने खूब सारा फंड देना आपको। नहीं रोशनी, आबान ट्रस्ट की इनॉग्रेशन आबान खुद करेगा अपने हाथ से। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? आबान, आबान कैसे कर सकता है? एनी प्रॉब्लम सिकंदर? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं भाभी, बल्कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आबान खुद इफ्तिताह करेगा, और वैसे भी सब कुछ तो आबान का ही तो है। बड़ी मॉम ने दिन रात एक करके इस ट्रस्ट के लिए काम किया, इंशाल्लाह काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जयान प्लीज मुझे आप सारी डिटेल्स ईमेल कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी। ओके। भाभी खाना तो खत्म करें। बस हो गया, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
आबान ट्रस्ट? पहले क्यों नहीं बताया? टाइम नहीं मिला बताने का। दूध गर्म कर लिया तुमने? जी बीबी जी। अच्छा मैं लेके जाती हूँ। कितनी दफा तुम्हें कहा है मुझे बीबी जी मत बोलो, मैडम रोशनी बोलो। जी मैडम। जाओ यहाँ से। जी। बेबी मामा आपके लिए दूध लाइए। स्टोरी टाइम।